अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं अल्लाह की हिफाजत में। ईद का दिन तो हो गया, पूरे 3 दिन ईद के हो गए यहाँ भी और इंडिया में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू बैक टू अनदर व्लॉग। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं बाहर, रात का 8 बज गया है, इशा होने वाली है, अभी हुई नहीं है, अभी बाहर जा रहे हैं। पैम्पर में ऑफर था तो वो देखने जा रहे हैं, अब्दुल्ला बोल लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कहाँ गए और क्या लिया कि क्या नहीं लिया, ऑफर था भी कि नहीं था। ओके, फिलहाल बाहर निकल, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं गेट से। अब्दुल्ला ने दरवाज़ा खोला लेकिन खोल नहीं पाए, बाहर निकलते हैं। और हमजा के पापा रेडी बैठे हुए हैं, गाड़ी स्टार्ट है, देख लीजिए लाइट जल रही है और हम लोग भी जा रहे हैं बैठने। चलिए चलते हैं, चलिए आप भी सब सारे व्यूअर्स से सलाम दुआ कर लीजिए। ये देखिए अली इधर बैठे हुए हैं और अब्दुल्ला बैठ रहे हैं। अभी देखिए हम लोग यहाँ पैम्पर की खान में खड़े हुए हैं, एम फार्मेसी है मुजतमा, उसमें यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन ऑफ़र कहा है कि नहीं, ख़त्म हो चुका, जबकि अभी 5 दिन पहले आए थे पता करने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं ख़त्म हो चुका। देखिए अभी हम लोग शर्फिया में खड़े हैं, ये चॉकलेट की दुकान है, कपड़ों की दुकान है इधर लगती है। ये देखिए सामने मस्जिद है शर्फिया में, यहाँ पे हम खड़े हैं, हमजा के पापा को कोई आवाज़ दे रहा था तो करके गए हैं देखने के लिए। इधर देखिए इधर कपड़ों की दुकान है यहाँ, ये सब। और पैम्पर डायपर जो भी लेने गए थे वो तो वहाँ मिला नहीं, ऐसे ही डायपर उठा लाए, पैंट वाला भी नहीं लिया अली के लिए, क्या करें, मिल ही नहीं रहा ऑफर में। अली देखिए क्या कर रहे हैं आप, अली का रास्ता बंद रहता है आगे आने का, इसलिए बस जहाँ है वहीं खड़े रहें, उधर वो बैठा हुआ है। अब्दुल्ला कहाँ हो? अब्दुल्ला गया अपने पापा के साथ शेयर। अली को कोई नहीं लेके गया है ना, अली भाई बाहर भाग गया, अरे लो अली बाहर, अब्दुल्ला बाहर भाग गया चुप्पे से, अली को नहीं लेके गए, हमजा के पापा पीछे जैसे उतरे वैसे ही वो भी उतर गए। अली आपको कोई नहीं लेके गया? नो नो नो, बता दो नो, नहीं बोलेगा मेरा भैया, गुस्सा हो गया है। ये देखिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप लोग आज चांद देख सकते हैं, चांद हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए ये देखिए माशाल्लाह, ईद में तो चांद आपको दिखा नहीं सके, आज मैंने दिखा दिया चांद, देख लीजिए माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ शर्फिया में है, ये फिश की दुकान है, यहाँ फिश मिलती है। सामने शॉपिंग मॉल करके 1 2 3, यहाँ पे भी सब सामान मिलता होगा, बहुत सारी चीजें दिख ही रही हैं। अब शर्फिया से निकल रहे हैं हम लोग, देख लीजिए आप लोग भी, ये सब जगह ना लाइटें लगी हुई हैं ईद के लिए, ईद तो हो गई, लाइटें भी उतर जाएंगी अब कुछ दिनों में। जब किसी काम के लिए निकलो, खास करके कि ये हम लेने जा रहे हैं और वो काम नहीं हो, तो बहुत गुस्सा आती है। जैसे आज पैम्पर के लिए हम निकले और पैम्पर ऑफर खत्म हो चुका, अब क्या करें, दूसरी जगह गए वहाँ पे भी नहीं ऑफर, तीसरी जगह गए वहाँ पे भी नहीं ऑफर, तो हमने क्या करें, रो के हमें पैंट्स की जगह डायपर। ये देखिए हमजा के पापा यहाँ गाड़ी क्यों रोकी ना, हम आपको बताते हैं वजह, हम वजह बताते हैं, ये चाय जितना रोके हम वजह बताएंगे। ये है पान की टपरी, चांद की चाय की पान की टपरी। आप लोग देख सकते हैं ये पान की टपरी है, ये देखिए छोटी सी दुकनिया है, इसके अंदर सब घुसे रहते हैं, पान ले लेके निकलते हैं, वो भी तंबाकू वाला। मेरे मियाँ से मना कर दिया था, छोड़ चुके थे 1 महीना पहले, लेकिन फिर उन्होंने एक दो बार थोड़ी ना इधर आज निकल रहे, तो मैंने कहा चलो एक पान ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं ले लीजिए। हम लोग घर आ चुके हैं, गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में। ये देखिए ये वही जंगला है जिसमें अब्दुल्ला आराम से चले आते हैं, अली भी यही ट्राई कर रहे हैं, ए चले गए, ओफो चले गए अली, अली चलिए घर चलिए, अब इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे निकले, ए ये निकल आया, गाड़ी थोड़ी अलग दूर पे खड़ी करिए, घर के पास एक गाड़ी है अपनी और ये दूसरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी करिए, इसलिए थोड़ा सा 24 नंबर दोनों पैरों से बिस्मिल्लाह।
आ गए हैं हम लोग घर, गेट के अंदर एंटर हो गए हैं। ये दोनों भी एंटर हो गए हैं। अब दरवाज़ा खुलेगा, थक गए हम। अली को बहुत जल्दी दरवाज़ा खोलने की। हम लोग आ गए हैं घर। इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मासलामा।